स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल 719 पर। मैं विनय और मैं आज आपको बताऊंगा डिज़ाइन ऑफ ग्रेन इंटीग्रेटर, जो कि एक DCS डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मेरे फर्स्ट पार्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए, क्योंकि उस फर्स्ट वाले पार्ट के वीडियो में मैंने इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं उसका मैंने प्रोसेस पूरा बताया है। जैसे अगर मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने ये सब बताया था। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, गिवन डाटा ये सब दिया रहता है। स्टेप टू में क्या करना है, ये सारा। स्टेप टू में ये मैक्सिमम वी लोड कैसे निकालते हैं, उसके बाद ये वेट ऑफ ग्रेन ग्रेडर कैसे निकालते हैं, तो ये सब टोटल वेट ऑफ ग्रेन ग्रेडर जो कि ऊपर गिवन दिया रहता है, लेंथ ऑफ ग्रेन भी ऊपर में दिया रहता है। मतलब सारा स्टेप बाई स्टेप उस वीडियो में मैंने सिर्फ बताया है स्टेप बाई स्टेप बनाने के लिए। अगर ये वो वाला पार्ट का वीडियो देख लेते तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट पार्ट का वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ही ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो मैं आपको एक सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दूंगा लास्ट में जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप पहले उस फर्स्ट पार्ट का वीडियो जाके जरूर देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, डिज़ाइन अ ग्रेन इंटीग्रेटर फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको सारा डाटा दिया रहेगा एग्जाम में भी, ठीक है, और आपको डिज़ाइन करना है। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराने के बाद एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, डिस्प्ले में आपको दिखेगा, बाद में लास्ट में आपको दूंगा। तो आप पहले ये समझ लीजिए, मैं जिस स्टेप बाई स्टेप बनाया उसी तरह से इसको भी फॉलो करूँगा। तो आपका ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। ये रहा सारा मैंने दिखा दिया, ग्रेन कैपेसिटी दिया हुआ है, इस पर स्पान ऑफ ग्रेन ग्रेडर दिया हुआ है, स्पान ऑफ ग्रेन ग्रेडर दिया है, सेल्फ वेट ऑफ ग्रेन ग्रेडर दे दिया है, सेल्फ वेट ऑफ ट्रॉली दे दिया है, और क्या दिया है, मिनिमम हुक एवरेज भी मैं बोला था, हुक एवरेज भी दे दिया है, मिनिमम हुक एवरेज दे दिया है, व्हील व्हील बेस ऑन द क्रेन, व्हील का डिस्टेंस भी दे रखा है, दोनों व्हील का बीच का डिस्टेंस कितना, सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन यहाँ पर 300 किलोमीटर दे दिया है। किसी क्वेश्चन में नहीं देता है तो मैंने बताया था उसको मानेंगे हम, ठीक है। और क्या दिया है, ये भी दे दिया है, स्टील ऑफ एल्ड स्ट्रेस दे दिया है, एल्ड स्ट्रेस दिया है या नहीं दिया रहता था, फिर 410 मानते हैं हम अपने से, ठीक है। इसमें तो सारा डाटा दे ही रखा है, अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है, अब इसका फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप जिसे बताया था गिवन डाटा। अब मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा नहीं है सारा, फर्स्ट स्टेप में आप ही लिख लीजिएगा, क्या लिखना है वही लिख देना है कि क्रेन कैपेसिटी इतना है, इस पे ऑफ ग्रेन ग्रेड इतना है, ये सारा डाटा यहाँ पर पॉइंट पॉइंट करके आप सारा लिख दीजिएगा। तो अब गिवन डाटा में यही स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। अब स्टेप टू देखते हैं, जहाँ समझाने वाली बात है मैं आपको समझाऊंगा। स्टेप टू क्या है, मैक्सिमम व्हील लोड W, जैसे मैंने बताया था क्रेन कैपेसिटी प्लस वेट ऑफ ट्रॉली, ठीक है। वेट ऑफ ट्रॉली, क्रेन कैपेसिटी कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 200, और ट्रॉली का वेट भी दिया है 40, यहाँ पर दिया है, देखिए क्रेन कैपेसिटी यहाँ पर 200 दिया है, सॉरी यहाँ पर क्रेन कैपेसिटी 200 और ट्रॉली का वेट भी दिया है 40, तो वही सारा लिख कर यहाँ पर 240 किलोमीटर आ जाएगा, ये हो गया। फिर भी क्या बताया, वेट ऑफ क्रेन ग्रेडर पर मीटर, अब क्रेन पर जो ग्रेडर है उसको पर मीटर पर कितना लगेगा, तो टोटल ऑफ क्रेन ग्रेडर बाई टोटल वेट ऑफ, यहाँ पर WT लिखा हुआ है दोस्तों, WT टोटल वेट ऑफ क्रेन ग्रेडर और अब अपॉन लेंथ ऑफ क्रेन, तो टोटल वेट दिया हुआ है यहाँ पर 200, ठीक है, कैपेसिटी ही वेट उसका टोटल होगा, और यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 15 लेंथ और स्पान दे रखा है, ग्रेन ग्रेडर का स्पान का लेंथ 15 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा 13 × 33 किलोमीटर पर मीटर, ये UDL हो गया, समझिए पर मीटर लग रहा है, इसी तरह तो ये कर देंगे हम यहाँ पे, ये यहाँ पे यहाँ से 1.2 मीटर क्या है, हुक एवरेज जो मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं, हुक एवरेज हो गया, और ये हुक एवरेज दिया है, सॉरी गलती कर दिया मैंने, और ये लोड 240 आया ही था टोटल भी लोड, यहाँ पर 240 आया ना, ये 240, और ये UDL कितना आया आपका, UDL ये आया इतना पर मीटर पे ये आया, तो ये सारा निकल गया, और स्पान का लेंथ दिया ही है, ग्रेन इंटीग्रेटर का लेंथ कितना है 15 मीटर, सारा चीज़ लिखा हुआ है, आपको बस पुट करना है। क्या बताया था मैंने, सी दोनों वेट निकालने के बाद सी निकाल लेंगे, मोमेंट निकाल लेंगे किसी एक के अबाउट,
आर के बॉट निकाली या ए के बॉट या बी के बॉट को किसी में से एक को निकालिए, तो मैंने ए के बॉट निकाला है, तो ये को फिक्स कर लीजिए ऐसे। अब लोड लोड ये रहा आर बी इंटू डिस्टेंस, ये 15, तो आर बी इंटू डिस्टेंस ऊपर से भी लोड लग रहा है 240 इंटू 1.2 डिस्टेंस इसका यहाँ से, और यू डी एल का भी ये हो गया लोड, ये हो गया लोड इंटू ये डिस्टेंस 15 का हाफ 7.5, ठीक है। तो हो गया, इससे क्या होगा आर बी निकल गया, आर बी इतना आएगा किलोन्यूटन, आर ए निकालने के लिए टोटल लोड माइनस इतना ये आर बी, तो टोटल लोड कितना आएगा, तो कितना लग रहा है ये 240 लग रहा है एक, प्लस ये 13.33 कितना लेंथ है 15, तो ये टोटल लोड ये हो गया, ठीक है। माइनस आर बी को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा आर ए, तो इससे क्या होगा आर बी और आर ए दोनों आपका निकल गया। अब डी नंबर पॉइंट देखते हैं, डी नंबर पॉइंट इसी में था ये वाला, आर ए और आर बी निकल गया दोनों। उसके बाद क्या निकालेंगे, तो अब ये तो निकल गया लोड दोनों बिल का, अब एक बिल पर कितना लग रहा है वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द रिएक्शन फॉर्म द क्रेन ग्रेडर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द टू व्हील एट द एंड ऑफ द क्रेन ग्रेडर। अब मैक्सिमम व्हील लोड ऑन ईच व्हील, अब एक प्रत्येक व्हील पर क्या लिखेंगे, तो आर ए मैंने क्या बताया था आर ए या आर बी का वैल्यू लिख कर बाई टू करना, तो आर ए आर बी में किसका वैल्यू ज़्यादा है आर ए कहता है, आर ए वाला वैल्यू लिख देंगे, जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा वही लिख देते हैं मैक्सिमम वाला, ठीक है। आर ए का वैल्यू लिख देंगे टू कर देंगे तो कितना जाएगा 160, ठीक है। अब 160 आ गया, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फैक्टर लोड लिख कर 1.5 से मल्टीप्लाई करके इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप 25% एक्स्ट्रा इम्पैक्ट लोड ले सकते हैं। इम्पैक्ट लोड क्या होता है, जैसे कि कोई लोड अचानक से उठाता है ना, जो झटका लगता है इम्पैक्शन लगता है, उसके लिए ये 25% एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं इसमें, इसका 25%, तो 160.40 का 25% कितना आएगा, तो 40.1 आता है, ठीक है। तो वही 40.1 इसमें जोड़ देते हैं, इसका 25 जितना लोड आता है उसका 25% और जोड़ देते तो कितना आएगा 205। उसके बाद फैक्टर लोड निकाल दिया 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं क्या बोल रहा था कि आप डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टर लोड लिख सकते हैं 1.5 इंटू 160, लेकिन वो मत लिखे, 25% एक्स्ट्रा ऐड कर ही लीजिए सेफ्टी के लिए, आपका क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होगा, कभी भी ज़्यादा वैल्यू आएगा जितना उतना अच्छा रहेगा। समझ लीजिए वन ईच व्हील पर कितना आया आपका लोड, इतना 300 × 75 kN। इसके साथ आपका फर्स्ट स्टेप ख़त्म हुआ, ठीक है। स्टेप टू के बाद देखिए स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द ग्रेंडी ग्रेडर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा ग्रेंडी ग्रेडर में, तो वो मैंने ईच व्हील पर निकाला था कितना लोड आएगा, तो 300 × 75 आया था, एक व्हील पर लोड आएगा, तो उसी तरह इस दूसरे व्हील पर भी लोड आएगा। ये आर सी आर डी मैंने बताया था, आर सी आर डी अगर मैंने वीडियो स्किप नहीं किए होंगे तो आपको पता होगा कि आर सी आर डी कौन सा मैंने लिया है। अब ये देखिए ये स्पान, इसका ग्रेंटी ग्रेडर का स्पान दे रखा है 7.5, ठीक है। 7.5 अगर दे दिया है तो इसका हाफ कितना आएगा, सेंटर, ये सेंटर ऑफ स्पान, सेंटर ऑफ स्पान, सेंटर ऑफ स्पान कितना आएगा 3.75 इसका सेंटर आ गया। और ये जो ये व्हील का डिस्टेंस, दो व्हील का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में ही दिया रखा है, दोनों व्हील का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, तो इसका हाफ कितना होगा, तो समझ लीजिए ये व्हील का है तो ये सेंटर इसका यहाँ तक आएगा, आएगा ना, तो 3 का कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1.75 और फिर 1.75, 3 का हाफ हाफ कर दिया मैंने, तो ये कितना आ गया सेंटर ऑफ व्हील, ये सेंटर ऑफ व्हील का है, ये सेंटर ऑफ स्पान है, ये सेंटर ऑफ व्हील है। अब इसमें का ये डिस्टेंस भी आप मेजर कर लीजिएगा, जब ये निकल गया तो ये डिस्टेंस भी निकल सकता है, ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये इतना से इतना दूर तक का तो 1.75 है, तो 1.75 का हाफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.875, ये छोटा तो डिस्टेंस आ गया। ये देखिए हमारा सारा ये थी कवर हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं, क्या करेंगे स्टेप थर्ड में मैंने बताया था क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे हम, एज्यूम क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए एज्यूम सेल्फ वेट ऑफ ग्रेंटी ग्रेडर, मैंने क्या बताया सेल्फ वेट मानेंगे कितना 1.6 किलो न्यूटन पर मीटर।
सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन, मैंने बताया था एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया है 300 किलोन्यूटन दिया था, गिवेन, ठीक है, गिवेन सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन। क्या करेंगे, किलोन्यूटन में दिया था, न्यूटन पर मीटर में चेंज करने के लिए ये करेंगे तो हो जाएगा किलोन्यूटन पर मीटर, और दोनों को सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी ग्रेट, अब उसका सेल्फ वेट होगा कितना आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 1.9 किलोन्यूटन पर मीटर। फैक्टर सेफ्टी के लिए फैक्टर यूडीएल ले लेते हैं, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2.85 किलोन्यूटन पर मीटर, ये यूडीएल आ गया, तो हमारा सेल्फ वेट इसका ये होगा 2.85 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है, आपका ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, किसी मैंने क्या बताया, तो ये डायग्राम बनाने के साथ ही आपको सबके अबाउट मोमेंट लेना रहता है, ये ए, ये बी, ये आर सी, ये आर डी, टेकन मोमेंट अबाउट सी, सी के अबाउट ले लेंगे मोमेंट तो क्या होगा, सी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो आर डी लोड इंटू डिस्टेंस, जब आर सी के अबाउट मोमेंट लेंगे हम तो क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेते हैं, लोड कितना लग रहा है, आर डी इंटू डिस्टेंस, तो आर डी इंटू 7.5, ठीक है, उसी तरह 300 ये इंटू ये डिस्टेंस, फिर उसका दिए इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना आएगा, 2.875 यहाँ तक होगा। अब बोलेंगे ये कैसे आया, तो ये देखिए यहाँ से 3.75 कितना दूर तक है, इसमें से हम 0.875 घटा देंगे, सॉरी हाँ 0.87 घटा देंगे, तो इतना यहाँ तक का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये हमारा ये रहा, इसी का आगा लोड इंटू डिस्टेंस, तो ये लोड इंटू ये डिस्टेंस, ये देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये हो गया लोड बी, बी पॉइंट इंटू डिस्टेंस 6.75 और ए इंटू 2.87, ये 2.87 ए का हो गया और बी का यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये वाला प्लस यहाँ से यहाँ तक ये जोड़ देंगे तीन दोनों, यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा, क्योंकि एक सी के अबाउट ले रहे हैं तो सी के अबाउट तक डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो आई होप ये सब आपको आसान लगता ही होगा, नॉर्मल है ये सब, आई यू डी एल निकाल रहे थे, यू डी एल का भी यही, ये लोड हो गया और ये हो गया डिस्टेंस, लोड कितना है 2.85, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 7.5, तो ये 7.5 ये लोड हो गया और डिस्टेंस के लिए 7.2 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है, सॉरी 7.5 को ही, जो हमारा एल है लेंथ है स्पान का उसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा, तो इसे आर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 381.61 किलोन्यूटन आ गया। उसके बाद आर सी कैसे निकलेगा, तो आर सी के लिए टोटल लोड माइनस आर डी, टोटल लोड कितना है, ये 300 और 2.85 ये 300 और ये 2.885 टोटल 7.5 में है, तो यही मैंने लिखा था यहीं पर 300 × 7.5 करके, तो ये हमारा टोटल लोड हो गया, माइनस आर डी को घटा दिया तो क्या आ गया 241.267 किलोमीटर, ये हमारा ये स्टेप थर्ड भी कंप्लीट हुआ, सॉरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ स्टेप, इसमें ए बी सी 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 पॉइंट आप देखते हैं, सी पॉइंट ये रहा, अब इसमें किसके अबाउट लिया था, ए आर सी और आर डी की वैल्यू निकल गई, ये मैंने यहाँ पर मैं इसके अबाउट आर सी के अबाउट मोमेंट लिया था तो आर सी और आर डी का वैल्यू निकल गया, अब ए के अबाउट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, आर ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, टेकन मोमेंट अबाउट ए, एम ए का क्या होगा, आर सी इंटू लोड इंटू डिस्टेंस माइनस लोड इंटू डिस्टेंस, ठीक है, ये पूरा लोड है, यू डी एल को इस तरह ही करते हैं, लोड इंटू डिस्टेंस, आइए लोड इंटू डिस्टेंस आर सी वाला, लोड इंटू डिस्टेंस, और फिर यू डी एल है तो ये पूरा लोड लगेगा इंटू डिस्टेंस, ये 2.87 वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इसे करके आपके क्या निकलेगा, एम ए बराबर आ जाएगा 681.85 किलोन्यूटन पर मीटर। अब टेकन मोमेंट अबाउट बी के अबाउट लेंगे तो वही एम बी बराबर क्या निकलेगा, लोड इंटू डिस्टेंस, ये फिर ये भी इतना लोड इंटू ये डिस्टेंस, ये लोड इंटू डिस्टेंस आर डी, इसके अबाउट मोमेंट मैंने लिया तो क्या होगा, आर डी लोड इंटू ये डिस्टेंस, उसके बाद यू डी एल है तो ये पूरा लोड 2.85 इंटू ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस का हाफ, मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है, यहाँ पर 1.25 लिख लीजिए, ठीक है, ये जिसमें 1.25 होगा तो वही 1.25 करके मैंने ये सारा निकाल दिया, तो कितना आएगा एम बी बराबर 427.50 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसके साथ हमारा स्टेप थर्ड कंप्लीट हुआ, अब स्टेप फोर देखते हैं, स्टेप फोर में क्या करते हैं हम,
वही जो व्हील को हमने बीच में रखा था सबको इधर एकदम साइड में कॉर्नर में कर देंगे आरसी के एकदम से सेंटर पे, ठीक है। तो आरसी के सेंटर पर ला देंगे तो क्या होगा, 300 किलो, 300 × 75 मैंने स्टेप जैसे बताया था, मैक्सिमम शेयर फोर्स इन ग्रैंटी ग्रेडर इन वर्टिकल निकालेंगे, ठीक है। तो आरसी बराबर कैसे निकलेगा, तो टेक इन मोमेंट अबाउट आरडी, आरडी के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, तो क्या होगा इसको फिक्स करेंगे, तो फिर वही लोड इंटू डिस्टेंस, लोड इंटू डिस्टेंस, ये लोड इंटू डिस्टेंस सारा चीज़ करेंगे, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, 300 इंटू लोड इंटू डिस्टेंस, लोड इंटू डिस्टेंस, और ये लोड इंटू डिस्टेंस करने से क्या हो जाएगा, आरसी के वैल्यू आ जाएगा 471.83 किलो न्यूटन, मैक्सिमम शेयर फोर्स आपका यही होगा जो आपका निकलता है। उसके बाद आप, मैंने बताया भी था आप वर्टिकल निकाल लिया, अब हॉरिजॉन्टल आपकी मर्जी, निकालना है तो निकालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये इसी से, इसी वैल्यू से काम है। आप चाहे तो ये स्टेप फोर को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो अगर ए पॉइंट निकाला, बी पॉइंट में निकालना चाहें तो हॉरिजॉन्टली निकाल सकते हैं। बी पॉइंट के लिए मैंने बता, देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ ट्रांसफर टू द रेल, इसका क्या मैंने बताया था, 10% एक्स्ट्रा लेंगे, किसका, इसका क्रेब कैपेसिटी और क्रेब लोड का, क्रेब कैपेसिटी भी दिया था क्वेश्चन में, ये लोड भी दिया है, इसका 10% कितना आएगा, 24 किलोमीटर, इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर द रेल कितना आएगा, 1.5 × 24, ठीक है, इसका 24 जोड़ देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर से, फैक्टर के लिए 1.5 करते ही है, तो 36 आ जाएगा आपका। आने के बाद क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ईच व्हील, ईच व्हील मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों व्हील पर कितना लगेगा, तो ये 36 है, इसका एक एक व्हील पर निकालेंगे तो 36/2 कर देंगे, दो व्हील है तो 18 किलोन्यूटन एक व्हील पर हमारा लोड पड़ेगा। इसके साथ आपका स्टेप फोर भी कंप्लीट हुआ, ये स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं, बी वाला पॉइंट मतलब स्टेप फोर का बी वाला पॉइंट आप इसकी भी कर सकते हैं, अगर आपको बनाना है तो आपकी इच्छा ये बना सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ओनली शेयर फोर्स का काम था, जो कि स्टेप फोर्थ में ए निकालते ही एक के अबाउट किसी इसके अबाउट या इसके अबाउट मोमेंट लेने से ही आपका शेयर फोर्स आ जाएगा, ठीक है। स्टेप फोर कंप्लीट हुआ, अब स्टेप फाइव देखते हैं, स्टेप फाइव क्या है, ये रहा स्टेप फाइव। स्टेप फाइव में क्या करते हैं, हम सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, आई सेक्शन कौन सा लेंगे और सी सेक्शन कौन सा लेंगे, तो वही है स्टेप, देखिए सेक्शन ऑफ, सेक्शन सिलेक्शन ऑफ ग्रैंटी ग्रेडर, कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट सेक्शन का डेप्थ होना चाहिए कितना, L/12, एल हमारा क्या था, 7.5 मीटर, मैंने बताया था इसको एमएम में चेंज करेंगे तो 7,500, ये हमारा एमएम में हो जाएगा, 7.5 मीटर को यहाँ पर चेंज किए तो ये हो जाएगा, इस 12/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 mm, इसको अप्रोक्सीमेट 600 mm मान सकते हैं हमारा डेप्थ होना चाहिए सेक्शन का, और इसका विड्थ कितना होना चाहिए, तो L/40 या L/30, आप किसी दो दो में से किसी एक फॉर्मूला का ही यूज करिएगा, L/40 यूज करिएगा या L/30 यूज करिएगा, जो भी यूज करिएगा, मैंने तो दोनों से बता दिया है आपको, मतलब इतना से लेकर जो विड्थ है L/40, इतना से लेकर इतना तक हमारा विड्थ होना चाहिए, तो आप इसमें से जो भी आप वैल्यू लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप इस वैल्यू को भी लीजिए, इस वैल्यू को लीजिए, कोई एक ही बनाइएगा लेकिन, ठीक है। तो हमारा विड्थ होना चाहिए इतना समझ लीजिए, मान लेते इस वैल्यू को लेता हूँ मैं, और इसका क्या होना चाहिए, सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड ZP कितना होना चाहिए, ZP के लिए मैं बताया था ये 1.4 आपको याद करना पड़ेगा, 1.4 ये फिक्स होता है वैल्यू, ठीक है। MU/FY, MU क्या है, बेंडिंग मोमेंट, जो स्टेप आपने सेकंड में निकाला था उसका बेंडिंग मोमेंट इतना था, उसको 10^10, देखिए आप यहाँ पर किलो न्यूटन मीटर में दिया था, उसको न्यूटन mm में चेंज करने के लिए 10^6 न्यूटन mm किया है, तो वो आपको ये किलो न्यूटन मीटर में आया था, उसको न्यूटन mm में चेंज करने के लिए 10^6 मैंने मल्टीप्लाई किया है, 250, ये FY का तो 250 ही होता है फिक्स वैल्यू भी। सॉल्व करने के बाद आपको कितना आएगा, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ये आएगा इतना mm² आएगा, इसको इतना सेंटीमीटर क्यू में चेंज करने के लिए 10^6 करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यू में मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि अब इसका सेक्शन सेलेक्ट करना है, तो सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए हम IS कोड में जाएंगे, ZP की वैल्यू सेंटीमीटर क्यू में दिया है इसलिए हम सेंटीमीटर में इसको चेंज किए हैं, ठीक है। अब स्टेप सी के बाद स्टेप डी कौन सा होगा, देखिए स्टेप डी क्या था, ये वाला, अब मतलब क्या मैंने बताया था ZP के वैल्यू से ज़्यादा लेंगे, तो ZP का वैल्यू कितना आया था हमारा यहाँ पर, ZP का वैल्यू आया है यहाँ पर 3818.36। अब इसको IS कोड में देखते हैं पेज 138 में, देखिए IS कोड 800207 का पेज 138 निकाला मैंने, यहाँ पर ZP की वैल्यू ये रहा, इतना आया ना हमारा ZP बराबर 3818, इसका देखिए यहाँ पर 3818
18, देखिए यहाँ तक, इससे ज़्यादा 18 मतलब ये वाला यहाँ, इससे ज़्यादा ही लेना, ये तीन में से ही लेना है। तो ये इन तीन में से हमने ये ISMB यहाँ पर ये तीन ही लेना था। ISMB 600 मैंने माना है, इससे ज़्यादा आई सेक्शन का और सी सेक्शन का कौन कौन सा सेक्शन होगा, और इसमें अब स्टील टेबल में जाइएगा, पेज आपको इसमें आपको मिल गया 138 में, कौन सा सेक्शन आई सेक्शन ISMB 600 लेना है। तो आधा तो स्टील टेबल स्टील कोड से ही, कोड से आप ID002007 से आधा प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ISMB सेलेक्ट किया है ना, सारा प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ तक, थिकनेस ऑफ लेंथ, थिकनेस ऑफ वेव, ZP, ZD सारा वैल्यू यहाँ पर हमने लिख लिया। ये लिख लिया हमने किससे, कोड से। अब स्टील टेबल का यूज़ करेंगे, स्टील टेबल आपका इसमें है, ये रहा स्टील टेबल। इसमें पेज 4 में आपको यही ISMB 600 ही खोजना है। पेज 4 में जैसे यहाँ पर देखिए मैं खोजता हूँ आपको, पेज 4 में ISMB 600, पेज देखिए पेज 4 में ISMB 600 में ही आपको, और बाकी के वैल्यू जो जो एरिया जैसे इसमें स्टील कोड में नहीं दिया था तो इसमें दिया है एरिया बराबर ये, तो आप वही सब वगैरह जो जो यहाँ पे है एरिया आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। रेडियस ऑफ रूट आपको मिलेगा 20 स्टील टेबल से ही। आई एक्सिस का वैल्यू लिख लीजिएगा, आई वाई वाई की वैल्यू लिख लीजिएगा, वाई आर वाई वाई की वैल्यू लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दीजिएगा, सबको एक ही यूनिट में रखिएगा। उसी तरह सेम ISMC 300, ये आई सेक्शन का है और ये सी सेक्शन, क्योंकि पता है आपका सेक्शन इस तरह रहता है, आई और सी दोनों रहता है, तो ये आई सेक्शन का सी सेक्शन का ये वाला सेक्शन मान लेंगे। तो इसकी भी प्रॉपर्टी आपको स्टील कोड से इतना दूर तक लिखना है, इतना दूर तक आप स्टील कोड का यूज़ कर लीजिए। फिर टेबल में ISMC पेज नंबर 8 में आपको, सॉरी 18 में मिलेगा, पेज 4 और 18 में, 18 में जाकर आप ये सब ले लीजिएगा, एरिया आर रेडियस ऑफ रूट IXX RYY और CYY, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिएगा, डायग्राम आइएगा, इसके नीचे आप सीधा डायग्राम बनाइएगा ये वाला। अब जो जो डेप्थ दिया हुआ है 600, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेव, सारा चीज़ जो जो दिया हुआ है आप सारा लिख लीजिएगा। CYY की वैल्यू ये वाली होती है, ठीक है। इसका लेंथ दिया है 300, इसका 600 दिया है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना दिया 7.6, थिकनेस ऑफ वेव, सॉरी इसको वेव बोलते हैं, जैसे यहाँ पर सारा दिया हुआ था थिकनेस ऑफ वेव इतना, सारा प्रॉपर्टी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद इसके साथ ही आपका स्टेप 5वां कंप्लीट होता है। स्टेप 5वां के बाद अब स्टेप 6ठा देखते हैं। ये स्टेप 6ठा देखिए, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ग्रैंडी ग्रेडर। सेम वाई बार निकालेंगे, वाई बार के लिए क्या पता मैंने बताया था फॉर्मूला कोड स्टेप बाई स्टेप में, जो मैंने बताया था फॉर्मूला में ही A1Y1 + A2Y2 + A1A2। अब आई सेक्शन का A1 कोड से ही हमने निकाल लिया स्टील टेबल से, और Y1 कैसे निकलेगा, A1 हो गया, Y1 कैसे निकलेगा, तो Y1 के लिए D/2 जो जो हम जो पूरा डेप्थ दिया हुआ था आई सेक्शन का, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डेप्थ आई सेक्शन का 600 दिया है ना, उसी का डिवाइड कर देंगे तो 300 आ जाएगा। तो Y1 भी निकल गया। ये A2 क्या है, सी सेक्शन वाला, जो ऊपर में सी सेक्शन यूज करते हैं, उस सी सेक्शन का A1 गिवन है आपको स्टील टेबल से मिल ही गया। और Y2 कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया था कैसे, Y2 के लिए Y2 ये होता है ये वाला, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा प्लस मतलब 600 प्लस इसका थिकनेस कितना 7.6, ये भी जोड़ लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा। और फिर इसमें हम CYY घटा देंगे तो आपका हमारा CYY यहाँ तक Y2 होता है, तो यहाँ तक आपको Y2 मिल जाएगा। वही मैंने किया है, देखिए यहाँ पे 600 प्लस 7.6 कर लिया, फिर मैंने CYY को घटा दिया है, तो अब मेरा 584 आ गया। ये अब सारा वैल्यू इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा ये 364 × 21 mm आ जाएगा। ये कंप्लीट हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कंप्लीट हुआ। उसके बाद बी निकालते हैं, सी जी कैसे निकलेंगे, तो जो वही आई सेक्शन में जो पूरा डेप्थ दिया है 600, उसमें से वाई बार को घटा देंगे तो हमारा सी जी आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, बिल्डअप सेक्शन IXX, बिल्डअप सेक्शन IXX कैसे निकलेगा, तो बिल्डअप सेक्शन के लिए मैंने बताया था IXX आई सेक्शन का और IYY सी सेक्शन का। IXX के लिए IXX + HY H² + IYY A + AH²,
अब देखिए ये आई एक्स एक्स वाई वाई इस प्रॉपर्टी में आपने देखा ही था ये सर, आई एक्स एक्स आई सेक्शन का ले लेंगे, यहाँ पर आई ए वाई वाई सी सेक्शन का ले लेंगे, सारा प्रॉपर्टी तो मिल जाएगा, लेकिन आपको एच निकालने में दिक्कत आएगी। एच कैसे निकलेगा? एच के लिए मैंने क्या बताया था, इसका हाइट एच, इसका आई सेक्शन का था, आई सेक्शन का हाइट जो डेप्थ पूरा दिया हुआ है 600, उसका डिवाइड कर देंगे और माइनस सी जी कर लेंगे, तो आपका हमारा ये एच निकल जाएगा। तो ये एच आएगा 64.21, तो ये 64.21 आया, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6.21 इसका स्क्वायर किया है, ये आ गया। अब इस एच को कैसे निकालेंगे? तो इस एच को निकालने के लिए सी सेक्शन का सी जी लेंगे माइनस सी वाई वाई, तो सी जी कितना आया था यहाँ पर देखिए, ये आया था, अब माइनस सी वाई वाई कोड में ही आपको मिल गया था, घटा देंगे तो 219.6, तो भाई 219.6 यहाँ पर 219.6 का स्क्वायर, क्योंकि ये इस फॉर्मूला को मैंने पुट किया सारा, इस सारा फॉर्मूला को पुट करने पर आपको ये कितना आएगा लास्ट में, 1206.11 × 10⁻⁶ mm4 से हो गया। ए बी सी और एक डी सेक्स डी एल आर लाइथ भी कर लीजिए, यहाँ पर देखिए स्टेप सिक्स का ही ए बी सी और ये वाला डी, डी क्या होगा, सेक्शन ऑफ मॉडुलस जेड ही कैसे निकलेगा, तो आई एक्स एक्स प्लस वाई बार, आई एक्स एक्स अभी जस्ट निकाला हमने, आई एक्स एक्स ये निकला ना, बिल्डअप सेक्शन कितना आया 12.06.11, तो 12.06.11 × 10⁻⁶ बटा वाई बार, अभी फर्स्ट ए में जो निकला था वो कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा सेक्शन मॉडुलस जेड ए। इसी के साथ आपका स्टेप सिक्स भी कंप्लीट होता है। अब स्टेप सेवन देखते हैं, ये रहा स्टेप सेवन। स्टेप सेवन में क्या करना है, कैलकुलेट द प्लास्टिक मॉडुलस जेड पी, पी से प्लास्टिक होता है समझ लीजिए, तो जेड पी निकालना रहता है। तो मैंने बताया था जेड पी में क्या करेंगे, टोटल एरिया जो ए वन आई सेक्शन का और सी सेक्शन का दोनों एरिया जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल एरिया, और हाफ एरिया निकालने के लिए इस एरिया का डिवाइड कर देंगे तो हाफ एरिया आ जाएगा। अभी बीच में बहुत सारा कैलकुलेशन होगा जो कि इससे ज़्यादा आएगा, ये क्या है, ये जो जेड पी हमने निकाला था इससे पहले वाले स्टेप में, स्टेप फाइव में जो निकाला था, स्टेप फाइव में जैसे मैं स्टेप फाइव आपको दिखाता हूँ, ये स्टेप फाइव में जो मैंने ये करके कैलकुलेशन करके जो जेड पी यह है ना, जेड पी की वैल्यू निकाला था ना 38183.6, वही 38186 mm में कर दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यू था, देखिए mm³, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो mm³ वाला ले लिया है, और क्या होना चाहिए, इससे ये ज़्यादा होना चाहिए। अब ये जो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर करिएगा, आप इसको छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए, कैलकुलेशन करिएगा तो आपका अगला क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा एग्जाम हॉल में, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप डायरेक्ट ये लिखिएगा जेड पी लिखिएगा, आप यहाँ पर 4 मतलब इससे ज़्यादा, यहाँ पर अगर 6.81 आया था तो 7 या 8.81 कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा इससे ज़्यादा मान लीजिए तो जेड पी आपका हो जाएगा, कैलकुलेट द प्लास्टिक मॉडुलस आपका सेक्शन हो गया। ईमानदारी से बोलता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने स्किप किया है, अब भी स्किप कर दीजिएगा तो आपको ईजी हो जाएगा। स्टेप सेवन, अब स्टेप एट, स्टेप सेवन इसी के साथ ख़त्म होता है। अब स्टेप एट से लेकर और टेंथ अलेवन जो भी है आप अपनी मर्जी से जहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ जैसे मैं बताता हूँ स्टेप एट क्या है, स्टेप एट है यहाँ पर चेक द मोमेंट कैपेसिटी, स्टेप नाइन एम शेयर कैपेसिटी और बेंडिंग मोमेंट शेयर डिफ्लेक्शन चेक करना रहता है, सारा सारा आप अपनी मर्जी से जितना चाहे चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं चेक करता हूँ मोमेंट कैपेसिटी, मोमेंट कैपेसिटी चेक करने के लिए पेज 53 में जाइएगा आप, स्टील कोड में, सॉरी स्टील हाँ कोड में ही पेज 53 में जाइएगा, तो आपको पेज 53 में ऐसे ये रहा पेज 53, इसी में आपको ये मिलेगा ये फॉर्मूला जो कि किससे होना चाहिए, लेस देन ये 1.2 जेड सी एम आर जो भी है, यहाँ पर ये रहा मैंने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू तो सारा बी का वैल्यू 1 ही, तो कोड में ही दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू 1 मानना है, जो भी है जेड पी की वैल्यू अभी जस्ट अभी निकाला जो ग्रेटर देन आया था 4.3 वो लिखा मैंने, एफ वाई तो 250 ही होता है, ये 1 ही होता है, इसको सॉल्व कर लिया इतना आ गया, ये क्या होना चाहिए, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, ये वाला कम होना चाहिए, तो ये वैल्यू भी सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए इसको भी लिखिए। ऑल्सो चेक क्या करेंगे, ऑल्सो ये वाला लिख दिया जे डी का वैल्यू, ये लिख दिया जे डी का वैल्यू हो गया, जे डी की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वही जो आपने प्रॉपर्टीज में लिखा था, जैसे देखिए यहाँ आई सेक्शन का और इसका प्रॉपर्टीज आपने लिखा था, ये देखिए ये बोलिएगा यहाँ पर 10⁻⁶ नहीं है, ये पॉइंट को 1, 2, 3 इधर ला देंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है 3.10⁻⁶, समझ में आया।
उसके बाद एफ वाई का 250 ही होता है, इसका तो फिक्स होता है, पेज 12 में से 18 में दिया है। वाई नॉट का 1.1 होता है, फिक्स होता है। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका 834.54 × 10⁶ न्यूटन mm². अब ये क्या हुआ, एम डी से इसका वैल्यू कम होना चाहिए, इसलिए ये बता रहा है एम डी मतलब ये वाला, ये कम होना चाहिए किससे, इससे। तो आपका जैसे हुआ चेक करिए, देखिए आगे आपका कम, एम डी इससे कम होना चाहिए, तो ये आपका कम हो ही गया। और ये कम हो मतलब यहाँ तक तो ओके है, ठीक है। अब ये जो एम डी की वैल्यू आई वो बेंडिंग मोमेंट से भी कम, बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट जो आपने स्टेप सेकंड में निकाला था, बेंडिंग मोमेंट ये वाला, ये और ये कितना है 8.5, ये देखिए ये वाला इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ज़्यादा भी है। तो ये मैंने क्या बताया, ये एम डी जो है वो आपका बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आपसे ज़्यादा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हैंस प्रूव। ओके ये भी हो गया, आपने चेक मोमेंट कैपेसिटी निकाल दिया। अब यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, पर ये नहीं, कम से कम एक और शेयर, इसका शेयर कैपेसिटी भी बना लीजिएगा। तो 9 स्टेप क्या होगा, चेक द शेयर कैपेसिटी। शेयर कैपेसिटी कैसे निकलेगा, पेज नंबर 59 में जाइएगा, तो आपको ये दिया रहेगा फॉर्मूला। अब वी एन का फॉर्मूला, फिर वी एन बराबर वी पी होता है, वी पी बराबर ये होता है एच क्या है, तो एच बराबर देख लीजिए ये 600, और टी डब्ल्यू थिकनेस ऑफ वेव, ये वेव होता है, इसको फ्लेंज बोलते हैं, इसको वेव बोलते हैं। तो थिकनेस ऑफ वेव 12 दिया है, तो 12 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7200 mm आ जाएगा। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये निकल जाएगा, इसको पुट करेंगे, ये सारा फॉर्मूला आप देखिएगा, आपको दिखाई देता हूँ, तो बोलिए कि नहीं दिखाया। ये रहा पेज 59 में, यहाँ पर वी डी बराबर वी एन बाई गामा नॉट, वी एन बराबर क्या होता है, तो वी एन बराबर वी पी होता है, वी पी बराबर क्या होता है, ये ए भी बराबर ये थी, सारा चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर ये भी इसके पूछे कि ए क्या होता है, तो ए बराबर ये होता है, ये वाला लिखिएगा एच बाई टी डब्ल्यू, तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो एच टी डब्ल्यू एफ आई हो जाएगा, तो वही लिखा है मैंने, एच टी डब्ल्यू पहले निकाल लेंगे, उसके बाद एक जगह पुट कर देंगे, तो ये 7200 आ जाएगा ये, तो इसको पुट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ले दे के सारा वी डी बराबर क्या निकलेगा हमारा, इतना आएगा, ठीक है, 1039230.96 बाई गामा नोट का क्या, तो 1.1, ठीक है 1.1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इतना में न्यूटन 944755.42 न्यूटन, ये न्यूटन में आया, ठीक है। अब इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इधर तीन इधर आ जाएंगे, तो इधर आ जाएगा इतना किलो न्यूटन। देन क्या होगा, ये भी क्या होना चाहिए, 0.6 वी डी से क्या होना चाहिए, शेयर फोर्स से ये ज़्यादा होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। 0.6 वी डी कर दें तो वी डी बराबर अभी जस्ट निकला गया, वी डी बराबर ये आया, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ये जो वैल्यू है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, शेयर फोर्स से, जो आप स्टेप थर्ड में निकाले थे, शेयर फोर्स कितना आया था 471, यहाँ पर 566, मतलब ये भी सही है, हैंस ओके। आप यहाँ पर क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं, लेकिन अब आपकी इच्छा और भी कुछ, क्योंकि ये तो डिज़ाइन करने के लिए आपको बोल दिया, आप जितना चाहे अपनी मर्जी से जितना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप अपने 9 स्टेप तक ले निकाल दिया, शेयर कैपेसिटी निकाल दिया, अब आप अगला देख सकते हैं, 10वां स्टेप आपकी इच्छा मर्जी हो तो निकाल सकते हैं। इसका क्या निकाल सकते हैं, चेक द बकलिंग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये बकलिंग रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, पेज 54 में मिलेगा आपको, ये पेज 54 में आपको यहाँ ऊपर में मिलेगा, ये वाला यहाँ पर बकलिंग रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल गया, आपको मिल गया फॉर्मूला। अब इसको यहाँ पर लिख दिया मैंने, अब इसमें एफ बी डी के लिए दिक्कत आएगी, बी जेड पी तो निकल जाएगा, प्लास्टिक मोमेंट आपने या बी इसका इसका वन ही होता है, आपको बस ये दिक्कत आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीटा बी का तो वन होता है, ठीक है, और जेड पी का तो प्लास्टिक मोमेंट भी निकाल लिया था। एफ बी डी कैसे निकलेगा, तो एफ बी डी के लिए आप पेज 55 में जाइएगा, इसी कोड में ही, इसी का देखिए पेज 55 में एफ बी डी की वैल्यू यहाँ से निकलेगा। अब एफ बी डी के लिए क्या चाहिए हमको, एफ सी आर बी चाहिए और एफ वाई चाहिए। एफ वाई तो 250 होता है, तो ये वाला तो ठीक है। अब एफ सी आर बी कैसे निकलेगा, एफ सी आर बी के लिए आप पेज कितना जाइएगा, 57 में, 57 में जाइएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए 57 पेज नंबर में जाइएगा, तो यहाँ पर एफ सी आर बी के लिए क्या होता है, KL अपॉन R, और यहाँ पर H बाई टी एफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ठीक है।
तो आप इसमें देखिए मैंने निकाल दिया है के एल अपॉन आर वाई। के एल क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, जो मैंने यहाँ 7.5 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको 75 mm में हो जाएगा। और आर वाई क्या हो जाता है, आर वाई बराबर होता है आर एक्स एक्स या आर वाई वाई अपॉन ए, जो आपने स्टेप किस में निकाला था, स्टेप 5th में आपने निकाला था आर वाई वाई अपॉन ए। आर वाई वाई कैसे निकला था, स्टेप 5th में मैं आपको लेके जाता हूँ। जैसे स्टेप 5th में आपने ये निकाला था ना, अप्रोक्सीमेट करते करते आपने जो प्रॉपर्टी लिखा था, वही प्रॉपर्टी में से आप आर वाई वाई कर लीजिएगा, तो उसके बाद आर वाई वाई अपॉन ए करिएगा, तो आपका ये आर वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो 41.2 आएगा। तो इसका सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आएगा, 182.03 अप्रोक्सीमेट 190 आ जाएगा आपका। के एल आ गया, अब क्या था, एच भाई एफ, क्योंकि मुझे ये निकालना था, एफ सी आर भी निकालना है। एफ सी आर भी निकालने के लिए के एल अपन आर तो निकल गया, अभी इसमें से कौन सा वैल्यू लेंगे, इस वैल्यू में से तो पता चल जाएगा, अब इस वैल्यू में से कौन सा लेंगे, तो इसके लिए एच बाई थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो एच बाई थिकनेस ऑफ फ्लेंज, एच क्या है, पूरा आई सेक्शन का हाइट ले लीजिएगा, थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो आई सेक्शन का जो फ्लेंज है उसका ले लीजिएगा, तो कितना आएगा, 30, अप्रोक्सीमेट 30 आया। तो एफ सी बी आर की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए 190 और ये 30, मतलब के एल अपन आर में 190 जाना है, के एल अपन आर में 190 यहाँ पाया, ठीक है, यहाँ पाया। और क्या जाना है इसमें, एच बाई एफ में कितना जाना है, 30, एच बाई एफ में 30 जाना है। तो इन दोनों तरफ से मिलाते हुए आएंगे, ऐसे ऐसे आए यहाँ पर 104.03। तो एफ सी आर बी की वैल्यू कितना आएगा, 104.03। अब 104.03 आ गया, तो ये आपका हो जाएगा, पेज 55 में जाकर फिर से मिलाइए, पेज 55 में जाइए, तो एफ सी आर बी का 104 और एफ वाई का 250 ही होता है। तब इसमें जाइए, पेज 55 में आ गया, तो एफ सी आर बी का 400 कितना था, 104, 104 आपका यहाँ तक आएगा, 104 लगभग में 100 के अप्रोक्सीमेट आएगा ये एफ सी आर बी, और ये एफ वाई कितना होता है, 250। तो 250 में इन दोनों को मिलाते हुए आएंगे तो यहाँ पाएगा 77.3। वही मैंने एफ बी डी की वैल्यू 77.3 निकाला। बस चेक बकलिंग में यही दिक्कत आती है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो कैसे कैसे मैंने समझाया। तो अब एफ बी डी की वैल्यू आ गई, तब ये सारा वैल्यू पुट कर देंगे, सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये जो वैल्यू आएगी वो किससे होगा, ये बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा है तो हैंस ओके प्रूव। आप यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, और नहीं तो और आपकी इच्छा है तो और एक स्टेप बढ़ा दीजिए, स्टेप 10th हो ही गया है, अब स्टेप 11th देख लीजिए। सॉरी इसमें भी एक और है, ये निकालने के बाद, नहीं सॉरी 11th देखिए स्टेप, तो स्टेप 10th ख़त्म हुआ यहाँ तक, स्टेप 10th के बाद आप स्टेप 11th में जाइए, आपकी इच्छा 11th में जाइएगा तो चेक वेब बकलिंग चेक कर सकते हैं। पेज 67 में जाइएगा तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ये फॉर्मूला में बी क्या होता है, तो बी बराबर विड्थ ऑफ फ्लेंज बाई 2 होता है, इसको करिए 105 आएगा। इसको याद करो, मैंने लिख दिया क्योंकि ये फॉर्मूला आपको मिलेगा नहीं, मतलब हाँ ये तो फॉर्मूला मिल जाएगा पेज 67 में, बस ये वाला नहीं मिलेगा। तो एम बराबर कैसे निकलेगा, तो 2.5 थिकनेस ऑफ फ्लेंज प्लस रेडियस ऑफ रूट आर, जो प्रॉपर्टी आप लिखे हैं उसमें मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 102 आएगा। तो एफ डब्ल्यू बराबर क्या होगा, सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा न्यूटन में, इसको किलो न्यूटन में चेंज करेंगे, जो कि क्या होगा, ये भी मतलब शेयर फोर्स, ये शेयर फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, अगर ज़्यादा है हैंस ओके डाल सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो 12वां स्टेप चाहिए तो डिफ्लेक्शन चेक कर सकती है, पेज 31 में जाइएगा, डिफ्लेक्शन बराबर स्पान बटा 750 होता है, स्पान 750 बाई 7750 लिख दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 mm, आंसर प्रूव्ड। मतलब आपको स्टेप 9 तक तो कम से कम करना है, स्टेप 9 तक आपको पूरा कर लेना है। अब 10th, 11th, 12th, ये तीन स्टेप में आपकी मर्जी, जहाँ तक इच्छा हो वहाँ तक करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ये रहा आपका दो टो क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, अगर ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाने का नियम प्लस आपको सारा चीज़ मैंने बता दिया। ये दो क्वेश्चन आप कर लीजिए तो आपको समझ में पूरी तरह आ जाएगा।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें इसका। हाँ, इन दोनों क्वेश्चन का आप सोल्यूशन का कमेंट करें हमको कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। और पसंद आया